कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा गया था, लेकिन जिस तरह कोरोना पीड़ितों के साथ लगातार भेदभाव हो रहा है, उससे इस सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी की परिभाषा ही बदल गई है। अब ऐसा लगता है कि यह सामाजिक दूरी नहीं बल्कि समाज में दूरी होती जा रही है। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण और इस महामारी पर सोशल मीडिया और खास करके टीवी चैनलों के जरिए जो माहौल इस वक्त देश में बना, उससे सामाजिक रिश्तों की एक नई परिभाषा बुनी जा रही है। लोगों के मन में डर है कोरोना से संक्रमित लोगों के लिए। क्या है इसके पीछे वजह, क्यों ऐसी परिस्थितियां जन्म ले रही हैं? इन्हीं सवालों के साथ आगे हम आज बढ़ेंगे। उससे पहले आप सबों का स्वागत है एसके लाइव में। नमस्कार, आपका समय, आपकी खबर। आज हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं, पराग विश्वास जी। पराग विश्वास जी, मैं आपसे सीधे जानना चाहूंगा कि ये जो डर का माहौल है, कोरोना वायरस से आक्रांत लोगों के खिलाफ डर, ये शुरुआत कहां से हुआ, ये शुरुआती दौर में कहां से लोगों में आया? और दूसरी बात कि सोशल मीडिया का कितना महत्वपूर्ण इसमें योगदान रहा है, ये इस डर को पनपाने में। जैसे कि आपने शुरू में ही कहा कि मीडिया के एक हिस्से में, मैं कहना चाहूंगा सभी मीडिया चैनल्स नहीं, टीवी चैनल्स कुछ और कुछ हिस्से के प्रिंट मीडिया भी और सोशल मीडिया खास तौर पे, ये काफी हद तक ये दहशत पैदा करने के लिए ये बहुत कुछ सोशल मीडिया में चला है और उसी वजह से दहशत पैदा हुई है। मैं पर्सनली ये समझता हूँ, ये कहा जा रहा था कि जब पेशेंट को रखा जाता है, किसी को अगर कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो उसको बिल्कुल किसी से मिलने नहीं दिया जाता है, परिवार का बुरा हाल हो जाता है, उनको क्वारंटाइन में रखा जाता है परिवार को, वहां पे पर्याप्त व्यवस्था नहीं होती है, खाने का नहीं, सोने का नहीं, रहने का नहीं, उठने का नहीं, बैठने का नहीं, बाथरूम्स वगैरह नहीं। इस तरह के बात जितना मीडिया फैला रही थी उससे ज्यादा सोशल मीडिया फैलाना शुरू की तरह तरह के पोस्ट से, ज्यादातर जिसका कोई बुनियाद नहीं था, बेबुनियाद था। ये भी कहा जा रहा था कि पेशेंट को पूरा आइसोलेशन में रखा जाता है, प्लास्टिक में मुड़े हुए हालत में उनको, उनका बॉडी को छोड़ा जाता है, बॉडी के पास लोगों को, अपने रिश्तेदारों को जाने से भी रोका जाता है, वो नहीं जा सकते हैं, बॉडी को डिस्पोज कर दिया जाता है। बाद में हम लोगों ने ये भी देखा कि टैब मोबाइल लैपटॉप वगैरह भी इस्तेमाल करने का इजाजत लोगों को मिला, पूरा बात सच्चा मतलब सच्चाई नहीं थी उसमें पूरी बात, कि एकदम लोगों को कट ऑफ कर दिया जाता था दुनिया से। पहले लोगों को ये सुनने में आया था थ्रू सोशल मीडिया मोस्टली, आप देखिएगा दीपू जी, बुरे हालात में लोगों को रखा जा रहा है और डॉक्टर्स के पास भी, आई रिपीट, और स्वास्थ्य कर्मियों के पास ट्रीटमेंट करने का सही ज्ञान और साधन उपलब्ध नहीं है, ज्यादातर लोग इसी वजह से उनकी मौत हो रही है। इनिशियली मैं बोल सकता हूँ कि शुरुआती दौर में कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था थी, क्योंकि हेल्थ ऑफिशियल्स भी तैयार नहीं थे, कुछ मौतें हुई है। जैसे कि सिलीगुड़ी में आप देखेंगे कि पहला जो संक्रमण हुई थी वो बहुत अफसोस की बात है, उनको वो चल बसी, तो ये सब हुई है। मतलब 100% अगर डेथ रेट कहीं पे होता है तो लोग घबराने लगते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। उसके बाद हमने देखा है कैंसर पेशेंट्स भी सिलीगुड़ी में अच्छे हुए हैं, अभी तो बहुत डेथ रेट घट गया यहाँ पे। और एक चीज आप शायद दरकिनार नहीं कर सकते, नजरअंदाज कर रहे हैं हम लोग शायद, वो अफवाह भी दहशत के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। अफवाह सोशल मीडिया में ज्यादा फैला है और सबसे बड़ी चीज ये फैली थी कि बहुत सारे लोगों को कोरोना हो रही है, संक्रमण हो रहा है, लेकिन उसका खबर आदमी से छुपाया जा रहा है सरकारों द्वारा या सरकारी एजेंसीज द्वारा, और उनको उनकी मौत हो रही है, उनकी शवों को हटा दिया जा रहा है, रात के अंधेरे में हटा दिया जा रहा है, इस तरह का बेबुनियाद बातें की जा रही थी। कोरोना के मरीज को ट्रीटमेंट हर हालत में जरूरत होती है, हमने पहले कहा था कि 50% जो लोग एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, लेकिन एक बार अगर सिम्टम्स दिखा दिए तो बहुत सारे लोगों को वेंटिलेटर पर भी जाना पड़ता है, तो इतना सही नहीं है और संभव नहीं है कि आप इसको छुपा के रखिएगा। एक और पहलू मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, वो चाइना का पहलू। हमने भी पहले किसी चैनल में चाइना के बारे में चर्चा किया था, कि दूसरे चैनल में, कि चाइना ने बहुत कुछ छुपाया है क्योंकि उनका कम्युनिस्ट रेजिम है, आयरन कर्टेन कहा जाता है जी, बिल्कुल, और ये बात बिल्कुल पराग जी बिल्कुल बिल्कुल ये कह के खत्म करना चाहूंगा कि इसकी पुष्टि और भी, जब चाइना ने अचानक अपना डेथ रेट डबल कर दिया और कहा कि उस समय हमारे पास डेथ सेंसस प्रॉपर नहीं था, करीब एक डेढ़ महीना बाद, तो इससे भी लोगों में काफी शक पैदा हो गया, शक से दहशत पैदा हो गया जी। मैं बिल्कुल यही जानना चाह रहा था पराग जी इस वक्त, कि ये जो स्थिति है शुरुआती दौर में, क्योंकि
हम इसके बारे में सही तरीके से जान नहीं पा रहे थे, बार बार इस तरह की खबरें आ रही थी, ये चाइना में फैला है, सही आंकड़े नहीं है, आंकड़ों को छुपाया गया वगैरह वगैरह, तरह तरह की बातें आई कि इसका कितना प्रभाव पड़ा लोगों के ऊपर, लोगों की मानसिकता ये जो आज बन गई है, लोग कोरोना संक्रमित किसी भी व्यक्ति को देखने से उससे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि वो घृणा का पात्र हो और जानबूझकर उसने को वो कोरोना फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये कहां तक चाइना वाला जो मुद्दा रहा वो कहां तक जिम्मेदार है, कितना जिम्मेदार है बड़ा? चाइना वाला मुद्दा शुरुआती दौर में काफी जिम्मेदार था टिल द सेकेंड वीक और थर्ड वीक ऑफ अप्रैल, लेकिन उसके बाद अगर आप देखिएगा कि लोगों में यह डर तो पहले का था ही जो कैरी फॉरवर्ड हुआ, उसके अलावा ये डिजीज बहुत कंटेजियस है, छुआछूत की बीमारी है, वायरस अदृश्य है, इनविजिबल चीज है, जैसे कि मच्छर को हम देख सकते हैं, चूहे को हम देख सकते हैं जो प्लेग और हंटा वायरस फैलाता है, मच्छर जो डेंगू फैलाता है हम देख सकते हैं, और बहुत बहुत जल्द फैल रही है, सरकारें भी परेशान हो रही है, कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वैक्सीन नहीं है। इस वजह से आफ्टर अप्रैल जो है लोगों में विश्वास पहले पैदा हुआ था कि लॉकडाउन वन के बाद काफी स्थिति में सुधार आएगी, लेकिन आई नहीं, और धीरे धीरे लोगों को पता चला, आम लोगों को पता चला कि वैक्सीन या दवाई आने में करीब करीब 36 महीने लगेंगे, और उसके बाद फिर क्या हुआ आप देखेंगे डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी भी संक्रमित होने लगे, पीड़ित होने लगे, तो और भी लोगों में डर बैठ गया कि अगर उनका यह हाल है तो हम किस खेत के मूली है, अगर हम संक्रमित होंगे तो हम पे कितना बड़ा मुसीबत टूट पड़ेगी, हम क्या कर पाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है, वो है कंफ्यूजन का पहलू। शुरुआती दौर में लोग विश्वास कर रहे थे एक्सपर्ट्स पर, क्योंकि ये कहा गया था कि मास्क पहनने की जरूरत नहीं है, जो संक्रमित हो रहे उन्हीं को पहनने की जरूरत है, उनके आसपास पड़ोस में जो है उन्हीं को संक्रमित होने से रोकने के लिए मास्क पहनने की जरूरत है। बाद में यह कहा गया कि ड्रॉपलेट एयर इन्फेक्शन है, 1 मीटर की दूरी बनाने के बजाय 13 फीट की दूरी बनाने की बात की गई, सैनिटाइजर के बारे में हम लोगों ने सुना कि और ज्यादा सैनिटाइजर यूज करें और ज्यादा साबुन यूज करें, और मलमूत्र से भी फैलता है ऐसा भी बात आई, तो ये ज़ूनोटिक वायरस है ये बताया गया था, लेकिन अचानक हम देखे कि डॉक्टर से ये कह के मछली मांस भी खा सकते हैं, लेकिन आप इन दोनों को इनको सिजाना पड़ेगा, बॉयल करना पड़ेगा हाई डिग्री तक, हाई डिग्री ऑफ टेम्परेचर तक, लेकिन आप स्लॉटर हाउस में नहीं जा सकते हैं। इस तरह यानी कि अगर हम कुल मिलाकर अगर हम ये समझे पराग जी कि बार बार अलग अलग तरह की जो आधिकारिक सूचनाएं आई, इससे लोगों में कंफ्यूजन की एक स्थिति पैदा हुई और यहाँ से भी जो ये डर है ये शुरू हुआ। हाँ, और इसको हवा दी गई, हवा बिल्कुल, और हवा दिया सोशल मीडिया में, देखिए कैसा, जैसे कि कहा गया कि प्लास्टिक में इतना घंटा रहता है वायरस, फिर बदल गया नहीं, प्लास्टिक में इतना घंटा रहता है, मेटल पे इतना रहता है, ये तो था ही, डर बैठा हुआ था लोगों में। उसके बाद अचानक ये खबर आया, जैसा मैं एक मिसाल के तौर पर बोल रहा हूँ कि स्मोकर्स को ये नहीं होता है, ये बात सोशल मीडिया पे फैली, स्मोकर्स को नहीं होता है ये चीज नहीं कहा गया। कल भी मुझे किसी ने फोन करके बताया कि आई स्मोक देयरफॉर आई विल नॉट हैव कोरोना वायरस, ये सही नहीं है। ये कहा गया था कि जिन लोगों में शुरुआती दौर में संक्रमण पाया गया था वहां पे कुछ लोग ज्यादा ऐसा थे जो स्मोकिंग करते थे, ये कोइंसिडेंटल भी हो सकता है, एम्पिरिकल नॉलेज कोइंसिडेंटल भी हो सकता है। जैसे देखिए आप शूटिंग के लिए कहा गया है कि 60 साल के ऊपर के लोग या 50 साल के ऊपर के लोग, मैं मिस कर रहा हूं, और बच्चों लोगों को नहीं अलाउ किया जाएगा, और 50 साल के ऊपर के लोगों को कोई अंडरटेकिंग देना पड़ेगा। कल भी मैंने ये बात इसके लाइक पे थोड़ा छू के गया था, बोला है मैंने कल या परसों दूसरे में। लेकिन आप देखिए हमारी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में 3-2 दिन पहले ज्यादातर संक्रमण 20 से 34 साल के लोगों में हुआ है, सब नौजवान है, कैसे हुआ उनमें। उसके बाद महत्वपूर्ण पहलू है प्रवासियों का समस्या, बहुत लोग के रिश्तेदार दूर में है, जो आए हैं वो क्वारंटाइन में है, उनका सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, लोग अभी कोरोना से कम सामाजिक बहिष्कार से ज्यादा डर रहे हैं, क्योंकि उनको लगने लगा है कि मेरे आदमी अगर लेकर आएंगे। आपने आपसे सुना है मुर्शिदाबाद में जो मजदूर बहुत दूर से आया है श्रमिक में, ट्रेन में, एक्सप्रेस में, उसको घर में आने नहीं दिया गया, वो बेचारा पेड़ के नीचे खाना पीना हो रहा है उसका, कोई लोग उनको हेल्प कर रहे हैं, घर के लोग खुद डरे हुए हैं, कुछ लोग ये उनका मन छोटा हो रहा है कि मेरा बेटा बाहर है, कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि नहीं आया है आया, लेकिन आएगा तो हमें संक्रमण फैलाएगा और हमारा भी सामाजिक बहिष्कार हो जाएगा। तो ये दोहरा मतलब ये स्थिति है।
मतलब मैं जैसा कहता हूँ बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, यानी कि अगर कुल मिलाकर हम लोग देखें पराग जी, तो हम इस नतीजे पे इस वक्त एक और इस गंभीर नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि जितना जरूरी फिलहाल इस संक्रमण को रोकना है, उतना ही जरूरी लोगों में फैल रहे इस डर को रोकना भी है। बिल्कुल, और एक चीज तो हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये डर फैल रहा है, लेकिन अब देखिएगा जी स्थिति उत्पन्न हुआ है, जो लोग देख रहे हैं शायद उनको महसूस होगा ये बात, वो महसूस कर पाएंगे, आपको भी एहसास होगा कि डर है लोगों में, खौफ है, दहशत है, लेकिन बहुत सारे लोग लापरवाह हैं। आप देखिए लॉकडाउन 1 से लेके लॉकडाउन 4 तक, अनलॉक तक, बहुत सारे लोग लापरवाह हैं, और उस वजह से ऐसा लग रहा है कि कहीं वो तो नहीं दावत दे देंगे इस रोग को। और एक और महत्वपूर्ण चीज जो है जी, अभी 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 जो स्थिति है इसमें देखिए आप क्या हो रहा है। कल जब केजरीवाल जी क्वारंटाइन में गए थे, तो मैंने खुद किसी दूसरे चैनल के संचालक को कहा था कि मुझे विश्वास है, यकीन है कि केजरीवाल जी को शायद COVID-19 नहीं हुआ है, हो सकता है कि नहीं हुआ है, हो सकता है कि हुआ हो, लेकिन ये जो डर हम में पैदा हुआ है कि हम जैसे हमारा ये सेकेंडरी कैजुअलिटीज की वजह से पैदा हुआ है, क्योंकि इस स्थिति में जिनको जुखाम हो रहा है, जिनको सर्जरी हुआ है, जिनको सर्जरी की जरूरत है, जिनको ट्रीटमेंट की जरूरत है, जो क्लिनिक में नहीं जा पा रहे हैं, डर रहे हैं, और जिनको सर्दी जुकाम की प्रॉब्लम है, जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की प्रॉब्लम है, जिनको लीवर की प्रॉब्लम है, जिनको इस समय अगर वो बीमार पड़े तो घबरा रहे हैं कि हम क्या करें, और ये लेकिन पराग जी आप इस बात को भी हमें मानना पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जी चीफ मिनिस्टर हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, और इस पद पे रहने वाले लोगों को सामाजिक बहिष्कार जैसी चीज का सामना नहीं करना पड़ता है। सामाजिक बहिष्कार उन लोगों का हो रहा है जो लोग आम लोग हैं। बिल्कुल, लेकिन मैं उनका 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 मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि वो भी सतर्क हो गए हैं, सामाजिक बहिष्कार के वजह से नहीं, अपने हेल्थ के वजह से। खौफ हर किसी में है टू सम एक्सटेंट, पैथोलॉजिकल लैब्स भी लोग नहीं जा पा रहे हैं, टेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बीपी शुगर कोलेस्ट्रॉल आदि का को नपा नहीं पा रहे हैं, क्लिनिक्स भी बहुत सारे बंद है, कुछ डॉक्टर सोचे बंद रखे कि खुले रखे, उसके ऊपर प्रवासी मजदूर 70 प्रवासी मजदूर को हमने खो दिया है, लाइफ सेविंग ड्रग्स का किल्लत है, तो चारों बगल से हम घिर चुके हैं। इस समय सामाजिक बहिष्कार अगर बंद हो तो हम एक जगह हमको मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि हमें जुकाम तो होगी, फीवर होगी, फीवर क्लिनिक में हमको जाना ही पड़ेगा क्योंकि जांच करवाना बहुत जरूरी है। सीधे सीधे कहें तो हम कोरोना से तो त्रस्त हैं ही, इस वक्त हम बस यही चाहेंगे, यही उम्मीद करेंगे, यही आशा करेंगे कि समाज में कम से कम ये जो डर की भावना है, सामाजिक दूरी कहीं समाज में दूरी ना बन जाए, इसी को हम मानते हुए आगे चलेंगे। साथ ही दर्शकों को मैं इस बीच एक बात और बता दूं कि जानी मानी समाज शास्त्री है सुदापा सन्याल, जिन्होंने कहा है कि ये जो महामारी है इसने रिश्तों को भी नए सिरे से परिभाषित किया है। आप देखिए पराग जी इस बीच क्या हो रहा है, सरकारें जो अस्थियां हैं कोरोना से संक्रमित जो लोग हैं इनकी अस्थियां परिवारों को दे रही हैं, लेकिन लोगों ने अपने परिवार वालों की अस्थियों तक को लेने से मना कर दिया है। ये बड़ी ही विकट स्थिति है, और ये स्थिति जो है जैसे कि पराग जी आपने बताया है कि काफी हद तक शुरुआती दौर में चीन जिम्मेदार रहा, इसके बाद अलग अलग समय पर अलग अलग तरह की आधिकारिक सूचनाएं इसके लिए जिम्मेदार रही और बाकी का जो काम था वो सोशल मीडिया ने कर डाला। लेकिन पराग जी अगर अभी हम इसके समाधान की तरफ बढ़े, ये तो रहा ज्ञान, इसके समाधान की तरफ बढ़े तो कौन से ऐसे मुद्दे हो सकते हैं, कौन से ऐसे पहलू हो सकते हैं जिन पर ध्यान देने से ये लोगों में जो सामाजिक रूप से डर वाली भावना आ गई है कोरोना को लेकर ये दूर हो सके, किन पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है? देखिए सबसे पहले सरकार को एक पहलू पे ध्यान देने की जरूरत होगी, वो है पर्याप्त टेस्टिंग का साधन अभी उपलब्ध नहीं है, अभी तक उसको करवाना पड़ेगा। और ये पेनफुल स्वैब टेस्ट, मैंने भी कई बार पेनफुल स्वैब टेस्ट किया है अपना फॉर सम डिफरेंट रीजंस, नॉट फॉर कोरोना, मुझे पता है कि ये काफी पेनफुल स्वैब टेस्ट होता है, तो ये स्वैब टेस्ट को और भी इसको सरलीकरण की जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो लोग आजकल बोल नहीं रहे खुलकर, सोशल मीडिया लोग ज्यादा देख रहे हैं, सोशल मीडिया को फॉलो कम करें लोग,
और इन सब चीजों को देखे, गूगल को देखे, जहां पे प्रॉपर नॉलेज आपको मिलेगी कि पर्याप्त टेस्टिंग कैसे हो रहा है, ब्लड टेस्ट कैसे हो सकता है, एंटीजन और एंटीबॉडी टेस्ट कैसे हो सकता है, जो प्रेशर ग्रुप्स है वो सरकार पे दबाव डाले, ये भी बहुत जरूरी है और सरकार भी ये चीज सोचे। मैं पश्चिम बंगाल की सरकार के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं पूरे देश के सरकार के बारे में कह रहा हूँ, हिंदुस्तान के हुकूमत के बारे में मैं कह रहा हूँ। और देखिए विनम्रता, देखिए एक चीज बना हुआ है जो बोल के मैं सोल्यूशन का वहीं से मैं कहूंगा कि वहीं शुरू होना चाहिए। लोग को थोड़ा पॉजिटिव रहने की जरूरत है। लोग ज्यादातर ये कह रहे हैं नॉस्ट्रेडामस ने ये कहा था। मैं तो बचपन से सुनते आ रहा हूँ कि जब भी कुछ घटना होती है इस दुनिया में, लोग कहते हैं कि नॉस्ट्रेडामस ने कुछ कहा था, ये एक ऐसा आदमी था कि इसने सब कुछ कहा था, शायद मैं अभी पानी पीऊंगा ये भी शायद उन्होंने कह के गया था। तो ऐसा लोगों में डर बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल पराग जी, और अंत में अम्फान को देखिए, अम्फान आ गया, निसर्ग आ गया, भूचाल मच गया, भूकंप आ गया, टीडीओ का हमला हुआ, चाइना में हंटा वायरस का आना, धूमकेतु का आना, उसपे एक अफवाह अप्रैल महीने 29 तारीख को कोलकाता में जापानीज फीवर के हाथ से, यूएसए में मर्डर हॉर्नेट के वजह से लोगों की मौत, ये सारा कारण जो है ना, इससे लोगों में निराशा छाई हुई है। इससे बचने का उपाय है, सिंपल उपाय है, अफवाह से दूर रहिए। हम जो कर रहे हैं, हम जो कोशिश कर रहे हैं, 100% तो कोई कर नहीं सकता, हम जो कोशिश कर रहे हैं वही लोगों को बताएंगे, अफवाह से दूर रहे। अभी हम भी 50 के करीब पहुंच गए, हमारी उम्र हो चुकी है, हमने भी बहुत सारे हादसा देखे हैं, हमने भी इंदिरा गांधी का असैसिनेशन देखा है दिल्ली में, बहुत सारी चीजें। और मैं हमेशा अपने दर्शकों से यही कहता हूं कि कोई भी, खास करके सोशल मीडिया पर जब आपके पास कोई भी मैसेज पहुंचता है तो आंख बंद करके, दिमाग बंद करके उस पर भरोसा मत कर लीजिए, उसकी तफ्तीश कीजिए। हालांकि हम एसके लाइफ पे एक अलग सेगमेंट ही चलाते हैं तफ्तीश नाम से, जहां पे हम ऐसे वायरल मैसेजों की तफ्तीश करते हैं, उनके बारे में पता लगाते हैं। लेकिन फिलहाल क्योंकि समय का भी अपनी अपनी एक सीमा है, पर बिल्कुल, मैं आप जो पूछ रहे हो तो मेरे से वही मैं कहने जा रहा हूँ, आप शायद सोल्यूशन के बारे और में जा रहे हैं, एम आई राइट? हाँ, तो आपने कुछ कह दिया, आपने बहुत, आपने खुद कह दिया कि सोशल मीडिया के बातों को जांच के परख के फिर हमको फॉरवर्ड करना चाहिए, या फिर एक डिस्क्लेमर दे देना चाहिए कि दिस द ऑथेंटिसिटी ऑफ दिस मैसेज हैज नॉट बीन वेरीफाइड, काइंडली क्रॉस चेक एंड देन फॉरवर्ड, और फॉरवर्ड एट योर ओन लीगल एंड पर्सनल रिस्क, ये चीज करके हमको भेजना चाहिए। और अफवाह से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। बहुत सारे ह्यूमन मिल्स आर वर्किंग ओवर टाइम, जैसा हम कहते हैं, पत्रकार लोग अंग्रेजी में कहते हैं। और चाइना के बारे में लोग अभी ज्यादा सोच भी नहीं रहे हैं, हम सोचे भी क्यों, अभी चाइना के बारे में सोचना नहीं है। इसके साथ पराग जी, ऐसा नहीं लगता है कि आगे निकल चुका है, पराग जी ऐसा नहीं लगता है कि इसके साथ लोगों को, क्योंकि लोग काफी स्ट्रेस में भी हैं, तो लोग, जैसा कि आपने पहले ही बता दिया कि लोग अफवाहों की तरफ ध्यान नहीं दें, लोग गलत मैसेजेस की तरफ ध्यान नहीं दें, सरकारी और आधिकारिक जो सूचनाएं हैं या फिर जो ऑथेंटिक सोर्सेस हैं उन पर ध्यान दें। इसके साथ योग वगैरह भी करने से क्या इसका फायदा हो सकता है पराग जी? बिल्कुल बिल्कुल, आज ही मेरे को मिला ये न्यूज, आई हैव नॉट वेरीफाइड और क्रॉस चेक इट, कि बांग्लादेश ने शायद स्वास्थ्य कर्मी के लिए योग, शायद उन्होंने योग व्यायाम का जो पाठ है वो कंपल्सरी अनिवार्य कर चुके हैं। बहुत अच्छा निर्णय हो उनका, अगर उन्होंने वाकई ऐसा किया है तो। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि सिर्फ ये कहना कि योग व्यायाम करने से कुछ होगा या साइकोलॉजिकली आप दूर रहिए, रखिए अपने आपको न्यूज से, इतना ही नहीं है। अपने एक कवर बनाइए आप, फिजिकल और मनोवैज्ञानिक दवाओं में है सारे लोग, तो एक कवर बनाए, जैसे अपने हाउस फिजिशियन से बराबर संपर्क में रहे आप, और बहुत जरूरत पड़ने ही पर ही आप क्लिनिक में जाए। और आजकल तो ऑनलाइन कंसल्टेशन भी मिलता है, ऑनलाइन कंसल्टेशन डॉक्टर्स के साथ आप कर सकते हो, अस्पतालों के साथ कर सकते हो, यहाँ तक कि आजकल तो घर में भी आके वो सैंपलिंग आपका करते हैं, सैंपल दे दीजिए आप, जब वो आएंगे तो आप दूरी रखिए, आप सारे चीजों को दिमाग में रखिए। सारे उम्र के लोगों को ही हम देख रहे हैं इस तरह की हो रही है, तो सारे उम्र के लोगों को सतर्क करने की जरूरत है। अगर संभव हो तो जहाँ पे पर्याप्त साधन उपलब्ध है वहां से अपने लोगों को आने न दे, दैट इज बेटर, उनसे कहें कि आप वहीं पर रहिए। अफेक्टेड लोग जो है, मेरे रिश्तेदार करके एक जापान में है, दूसरी जगह पे है, वो लोग आए नहीं है, इज बेटर। होम डिलीवरी संभाल लीजिए, मेडिकल जांच के लिए मैंने पहले ही कहा सैंपलिंग घर में कलेक्शन करवाइए, और जो जो चीजें उपलब्ध है सैनिटाइजेशन का ख्याल रखिए। देखिए जिंदगी और मौत ऊपर वाले पे है, हम जानते हैं, आनंद का बहुत मशहूर डायलॉग है कि
जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। कितना भी हम चाहे डॉक्टर्स कितने भी अच्छे हो, एक्सपर्ट्स कितने भी अच्छे, स्वास्थ्य कर्मी हमारा कितना भी ख्याल रखे, स्वास्थ्य व्यवस्था कितना भी पुख्ता क्यों ना हो, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो जरा नियम और कयम में चले, कल किसने देखा है। और जरा एक चीज मैं जाते जाते लोगों को कहना चाहूंगा कि कंपैरेटिव डिजीज मोर्टेलिटी रेट, मैं बोलूं थोड़ा लोगों को जानकारी हासिल हो, बहुत बहुत शॉर्ट में सर जी, बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूँ। डेंगू का है 2-5%, अनट्रीटेड 20%, काला जर का है अनट्रीटेड 95%, इबोला का 25-90%, निपा का 50-75%, सार्स का 4-10%, मार्स का 35%, स्वाइन फ्लू का 1-4%, एवियन फ्लू का 30%, एंसेफेलाइटिस का 30%, अनट्रीटेड 70-80%, कैंसर के वजह से करीब 96 लाख लोग दुनिया में हर साल जान उनकी चली जाती है। कार्डियोवास्कुलर डिजीज की वजह से करीब 180 लाख लोग दुनिया में मरते हैं हर साल। डायबिटीज इज द बिगेस्ट किलर एंड वी आर द डायबिटीज कैपिटल इंडिया, 10 लाख इन इंडिया एवरी ईयर डाई। कोविड का लेटेस्ट मोर्टेलिटी रेट अप टिल दिस आवर वेरी कर रहा है बिटवीन 2.89-5.74 ग्लोबली, इंडिया में थोड़ा सा ज्यादा है। तो आप इसमें सही इंफॉर्मेशन रखिए, डरिए मत, सतर्क रहिए। आप शायद, मैं ये कह के खत्म करना चाहूंगा कि सकारात्मक सोच रखिए। हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो है, जो सरकारें हैं वो कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारे हादसे हो रहे हैं, कुछ मिनिस्टर्स को भी हो गया है, वो काफी कोशिश, उनका सहयोग करें, उनकी गलती ना निकाले, उनके पास रहे, उनको समझने का कोशिश। यानी कि हम अपने दर्शकों को यही कह रहे हैं, क्या हमने पहला लॉकडाउन ठीक से माना था? क्या हमने माना था? बिल्कुल बड़ी सारी इस वक्त बातें हैं। हम इतिहास को ना खोदें, गड़े मुर्दे ना उखाड़े, बल्कि इस पर ध्यान दें कि आने वाले समय में। छोटी सी बात जाते जाते मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। अब्राहम लिंकन ने कहा था, आस्क नॉट व्हाट द कंट्री कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर द कंट्री। देशभक्ति दिखाने का इससे सुनहरा मौका और कुछ नहीं है। फ्लैग लेके इंडिया पाकिस्तान के मैच में आप स्टेडियम में दौड़ते हो, यानी कि सीधे शब्दों में, आम भाषा में अगर हम थाली बजाया दिया जलाया। अब आप जो लोग, जिनको हो रहा है उनको दूर मत रखिए। इफ यू पॉइंट अ फिंगर टुवर्ड्स अदर्स, द अदर फिंगर्स आर पॉइंटेड टुवर्ड्स यू। डॉक्टर वाटसन एलिमेंट्री ये कहते थे, शर्लक होम्स, उसको फॉलो कीजिए, एलिमेंट्री चीजों को फॉलो कीजिए, सैनिटाइजेशन कीजिए, साबुन हाथ में लेके चलिए, साथ में लेके चलिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए जितना हो सके, बाकी तो मैंने कहा रब ने जाना है। और बिल्कुल आम भाषा में अगर हम कहें तो हम अपने दर्शकों को ये कहना चाहते हैं इस वक्त कि आप आधिकारिक जितनी भी सूचनाएं आपको दी गई हैं उन पर ध्यान रखिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए अगर आप बाहर निकलते हैं, जैसा कि बार बार सरकारें कह रही हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर फैलने वाले अफवाहों से खुद को बचाइए, अपने समाज को बचाइए, अपने परिवार को बचाइए, तभी जाके ये जो सामाजिक दूरी की बात कही गई थी, जिसको बाद में फिजिकल डिस्टेंसिंग भी कहा गया था, वो पूरी तरह से सफल हो पाएगा। सामाजिक दूरी जरूरी है, एक समाज में दूरी नहीं होनी चाहिए। जी एक चीज जोड़ना चाहूंगा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कि हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं दो बार ये कहूंगा धीरे धीरे कि आज मैं सोच रहा हूं कि किसी के घर में क्वारंटाइन है तो मैं कानाफूसी कर रहा हूं, मैं सोच रहा हूं कि उसका सामाजिक बहिष्कार कर रहा हूं। कल को अगर मुझे हो जाए, खुदा ना खास्ता अगर मेरे परिवार के लोगों को हो जाए, तो क्या वही ट्रीटमेंट मैं एक्सपेक्ट करूंगा? इसलिए मैंने कहा कि इफ यू पॉइंट अ फिंगर टुवर्ड्स अदर्स, द अदर थ्री फिंगर्स आर पॉइंटेड टुवर्ड्स यू। टुगेदर वी कैन एंड वी विल डिफीट कोरोना, एब्सोल्युटली। इसी उम्मीद के साथ हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं और अपने दर्शकों से भी यही कहेंगे कि वो उन बातों पर ध्यान दें जो आज के इस कार्यक्रम से निकल के आई हैं। आधिकारिक सूचनाओं पर ध्यान दें, अफवाहों पर ध्यान न दें, बाहर जाए तो मास्क लगाएं, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने समाज का ध्यान रखें, तभी जाके हमारी जो सामाजिक परिभाषा है रिश्तों की वो कायम रहेगी, बरकरार रहेगी। इसी के साथ आप सब स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ आज का ये कार्यक्रम हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। जय हिंद।
आपके विजुअल एडवर्टाइजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूअरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम हैथवे और एनएक्सटी डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और सीसीएन सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके माइनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक एनएक्सटी डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।